नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र और केरल की अगर सिर्फ हम बात करें तो यहां पर 70% से, देश भर में जितने भी कोरोना के एक्टिव मामले हैं उसमें से 70% से ज्यादा मामले सिर्फ इन दो राज्यों में सामने आ चुके हैं। दिल्ली में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की क्या तस्वीर है और साथ ही साथ हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते आंकड़े किस तरह से अब डराने लगे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस पर अगले एक घंटे तक हम करेंगे विस्तार से बातचीत। सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का संकट फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,60,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। ब्राजील के सभी आईसीयू फुल हो गए। 80,955 नए केस सामने आए। ब्राजील में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 2,349 लोगों की मौत हुई है। इटली में कोरोना की नई लहर के बाद लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पेरिस में भी फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है, यानी एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पैर पसारता हुआ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।